राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमैका सेंटर विसेंट और ग्रेनेडिन्स की यात्रा पर हुए रवाना। राष्ट्रपति 18 मई तक जमैका में रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि अनुसंधान की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने का किया आह्वान। हैदराबाद में कृषि वैज्ञानिकों से कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का किया आह्वान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लुधियाना दौरा, शहीद सुखदेव थापर को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम दोबारा हुआ शुरू। न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्तों के नेतृत्व में 35 कर्मियों के एक दल ने किया सर्वेक्षण। दिल्ली के मुंडका इलाके में भीषण आग में 27 लोगों की मौत, 12 घायल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर जताया दुख। मध्य प्रदेश के गुना जिले में पुलिस और शिकायियों के बीच हुई मुठभेड़, 3 पुलिसकर्मी शहीद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले पर उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई। देश में अब तक 191 करोड़ 15 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगे। बीते 24 घंटों में 15 लाख से अधिक का हुआ टीकाकरण। अब खबरें खेल जगत से। झारखंड ने 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में किया प्रवेश। गोवा में हुए पहले सेमीफाइनल में झारखंड ने ओडिशा को शूटआउट में 3-1 से किया पराजित। बैडमिंटन में पुरुषों की भारतीय टीम ने थॉमस कप के फाइनल में प्रवेश कर रचा इतिहास। सेमीफाइनल में भारत ने डेनमार्क को 3-2 से हराकर पहली बार फाइनल में बनाई जगह।